स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे असरदार स्कीम स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें पूरे देश में शौचालय बनाए गए हैं। लेकिन इसी स्कीम में उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बड़ा भ्रष्टाचार भी सामने आया है, बड़ी अनियमितता भी सामने आई है, जहां ब्यूरोक्रेसी इस स्कीम को पलीता लगाने में लगी हुई है। ताज़ा मामला सामने आया है जखौरा ब्लॉक के मनगुआ ग्राम पंचायत का, जहां पर शौचालय में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है और ग्राम सेक्रेटरी की खुली लापरवाही सामने आई है, जिस पर स्थानीय लोगों ने ग्राम सेक्रेटरी पर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की बात भी कही है। तो ग्राम मनगुआ में शौचालय में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, लोगों के लिए ना तो जागरूक किया गया और ना ही उनका भुगतान हुआ है। तो बड़े पैमाने पर शौचालय की जो स्थिति स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उसको पलीता लगाते हुए नजर आ रही है ब्यूरोक्रेसी और वहाँ के स्थानीय कर्मचारी। आपको बताते चले कि तत्कालीन डीएम द्वारा ललितपुर को ODF घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पर्याप्त शौचालय न होने के कारण खुले में शौच जाने पर मजबूर है ग्रामवासी और भ्रष्टाचार के चलते भी यह स्कीम में पलीता लग रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है स्थानीय लोगों का। सर वो चालू ही नहीं है, गड्ढा ही नहीं खुदा, गड्ढा खुदवाना पता नहीं खुदा नहीं तो उसने पत्थर दिया। हम लोगों ने फोन करके बोला है, बोलते हैं कि हां खुदवा लेंगे। किसको किसको बोला था? प्रधान जी। क्या साल से? राजकुमार को एक दो साल हो गए। अगली साल अरे तीन सदस्य घर में। ये है सोजल वाली, ये चालू है, ये चालू है, ये सोजल वाली है। सीट वगैरह लगी है कि नहीं लगी? कुछ नहीं लगी, मैं कल घर बना रहा हूँ। पैसा तुम्हारे खाते में गया हुआ है? बैंक से निकल के ले लेते हम कराएंगे काम। ये वाला किसका? ये वाला दूसरा सौ जल का। किसके मतलब किसके नाम?